नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से दहशत, अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 345 लोगों की मौत, तो वहीं इटली और स्पेन में भी बिगड़े हालात। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी, संक्रमितों की संख्या पहुंची 870 के पार, तो वहीं कोरोना से अब तक 19 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में पलायन रोकने के लिए याचिका दाखिल। कोरोना को लेकर राज्य सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे सभी जिला कलेक्टर से रूबरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे कोरोना संक्रमण के हालातों की जानकारी। कोरोना वायरस का राजस्थान में बढ़ता ग्राफ, दो और कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए सामने, अब तक कुल 52 कोरोना पॉजिटिव, भीलवाड़ा में 22 मरीजों की पुष्टि। राजधानी के रामगंज में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर परकोटे में लगा कर्फ्यू, पुलिस की गाड़ियां रही कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में दौरा, माइक लगाकर लोगों से घरों में रहने की जा रही है लगातार अपील, बाहर निकलने पर होगी कानूनी कार्रवाई।